के बारे में हम आपको बता रहे हैं वो है कामना पूर्ति कृष्ण साधना। दोस्तों अगर आपकी कुछ मनोकामनाएं हैं जो कि पूर्ण नहीं हो पा रहा है तो इस साधना के बाद आपका एक मनोकामना यानी कि तीन मनोकामना अगर आप लेकर इस साधना को करते हैं तो 40 दिन में उसमें से एक मनोकामना आपका पूर्ण तरह से हो जाएगा और वो जो दो मनोकामना है वो भी पूरा हो जाएगा। दोस्तों मनोकामना आप वही लिखें जो आपके कर्म यानी कि जो आप डिजर्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एजुकेटेड नहीं हैं, हम पढ़ लिख नहीं रहे हैं, यानी कि अगर ओवरऑल सोचे तो हम पांचवी पास नहीं है और हम चाह रहे हैं कि हम एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाएं। दोस्तों ऐसी मनोकामना ना लिखें, ऐसा मनोकामना लिखें जो आप करने में आप सक्षम हैं, आप वो डिजर्व करते हैं और वो आपका पूर्ण नहीं हो रहा है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसमें 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों अब ये करना क्या है, इस साधना को संपन्न करने के लिए आपको श्री कृष्ण से मनचाहा वर प्राप्त कर सकते हैं और श्री कृष्ण को प्रसन्न होने की बात है तो श्री कृष्ण से जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो आप पूर्ति के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों ये साधना जन्माष्टमी यानी कि जन्माष्टमी अभी आ रहा है उस दिन में इस साधना को शुरू कर सकते हैं। उस दिन आप प्रातः काल नहा धोकर आप पूर्व की दिशा में स्वच्छ कपड़ा पहनकर किसी भी कलर का आप पहन सकते हैं, अगर पीला है तो अच्छा है, सफेद भी है तो अच्छा है, लेकिन इस दिन आप कोई भी कलर का कपड़ा पहन सकते हैं। उसके बाद अपने आगे में जो एक लकड़ी का कोई भी लकड़ी का चौखूट ले लें, उस पर पीला कपड़ा डाल दें और पीला कपड़ा डालने के बाद उस पर स्वास्तिक का चित्र बनाएं और उस पर श्री कृष्ण के यंत्र को समर्पित करें यानी कि स्थापित करें। अब उनको जल पंचामृत धूप दीप जो होता है उन्हें चढ़ाएं और उसके बाद वहां पर एक घी का दीपक जलाएं। दोस्तों घी का दीपक ऐसा जलाएं जिसमें वो पूरे पूजा तक वो घी का दीपक जलते रहना चाहिए। उसके बाद आपको स्फटिक का माला लेना है, अगर आपको स्फटिक का माला नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन से खरीद सकते हैं या आप किसी पूजे के दुकान पर अगर आप जाएंगे तो आपको स्फटिक का माला मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप किसी सोने के दुकान पर भी जाते हैं जो सोनार होता है उनके यहाँ भी स्फटिक का माला मिलता है, जो रत्न ये सब का काम करते हैं वहां से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण का यंत्र जो है वो भी आपको मार्केट में मिल जाएगा या ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको स्फटिक के माला से 11 माला यानी कि एक दिन में 11 माला आपको दो मंत्र का जाप करना है। पहला जो मंत्र है क्लीम हिसी केशाय नमः, दूसरा जो मंत्र है श्री ह्रीम क्लीम कृष्णाय स्वाहा। दोस्तों इस दोनों मंत्र का पाठ आपको 11-11 माला करना है। अगर आप करते हैं तो उस जहां पे आप पूजा का जो लकड़ी पर आप स्वास्तिक का चित्र बनाए हैं वहां पे आप तीन मनोकामनाएं लिख कर रख सकते हैं या आप अपने मन में रख सकते हैं, ये आप सोचकर पूजा कर सकते हैं कि हमें ये मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों ये इसके बाद यानी कि जब ये पूजा समाप्त हो जाएगा उस वक्त उस चावल को श्रीयंत्र को आप घर में भी रख सकते हैं, अगर घर में नहीं रखना है या अगर नहीं रख पाते यानी कि अगर कोई भी साधना दोस्तों अगर आप करते हैं चाहे लक्ष्मी की हो चाहे पावर की किसी भी फॉर्म का हो शिव का हो या साधना के वक्त में जिस प्रतिमा को स्थापित किए हैं उस घर में तो उन्हें डेली यानी कि धूप दीप जल चढ़ाना आवश्यक होता है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो इसे किसी बहते हुए जल में आप इन्हें प्रवाहित कर दें। दोस्तों अगर ये प्रोसेस अगर आपको 11 दिन ही करना है, 11 दिन में आपको ये पूर्ण होने के बाद यानी कि 11 दिन में ही मतलब कि इसमें अगर आप अच्छे से करते हैं यानी कि तो दो मनोकामना
पूर्ण हो सकता है, ऐसा देखा गया है। लेकिन अगर 40 दिन में अगर किसी भी तरह अगर इस चीज का प्रोसेस को पूरा करके अगर करते हैं तो 40 दिन में एक मनोकामना जरूर पूरा हो जाएगा। दोस्तों उस साल में आशा है कि दोनों जो दो बचे हुए मनोकामना है वो भी पूर्ण हो सकता है। दोस्तों इस प्रोसेस में अगर आपको पूजा के प्रोसेस में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो नीचे आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका जवाब देने का जरूर कोशिश करेंगे। अगर आपके पास में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना है, पामेस्ट्री सीखना है या वास्तु की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। क्या आप कर्म करके थक चुके हैं या बुरी से बुरी समस्या में फंसे हुए हैं? जिंदगी की हर समस्या के समाधान के लिए हमारे पंडित जी आपके साथ हैं। अगर आपको अपनी कुंडली, हैंड एनालिसिस या वास्तु की कोई भी समस्या है तो आप कॉल कर सकते हैं। आपसे ली गई राशि हम गरीबों की मदद के लिए आपके सामने लगाते हैं, जो कि चैनल में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।